हाय गाइस, कैसे होप करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आई थी ना वेस्ट साइड में, मतलब समझ रहे हो ना, इतनी वेस्ट ड्रेसेस वगैरह, इतना बड़ा मॉल, बाप रे, मैंने तो इतना बड़ा मॉल मैंने देखा भी नहीं था। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस, आई डोंट बिलीव मी यार। मतलब मैं तो देखो, गाँव में तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, बट यहाँ पर मैं जैसे जब से रहती हूँ, मैंने बहुत सारे मॉल देखे, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस देखे, बट इतना अच्छा अच्छा ड्रेसेस नहीं, बाप रे। इसमें ना सारी ड्रेसेस जो थी ना, सारी मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस थी यहाँ पर, देख तो ना स्लीपर, बाप रे, पार्टी वेयर के लिए स्लीपर। मैंने फर्स्ट टाइम इतना अच्छी सी कलेक्शन देखी, मुझे बड़ा ही देख के मज़ा भी आ रहा था। मैं सोच रही थी पूरी मॉल ही खरीद लूँ, बट मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं पूरी मॉल खरीद लूँ। बट वीडियो में बने रहो, मैंने कुछ यहाँ पे थोड़े बहुत ड्रेसेस वगैरह लेने आई थी, एंड यहाँ पे ना मैं कुछ ना स्लीपर लेने आई थी। इतना प्यारा प्यारा स्लीपर, मैं रास्ते से गुजर रही थी, मुझे जस्ट ये दिखा ना, मैं बोली चलो चलते हैं। एंड यहाँ पे देखिए ना, इतना मतलब पैड में लगे हुए थे, इतनी ब्रांडेड शूज लगे हुए थे, सारे रेट थे ना 1000 रुपीज़ थे भाई। जो भी स्लीपर यहाँ पे दिखेंगे आपको ना 1000+ ही हैं, आपको 1500 तक मिलेंगे, 2000 तक मिलेंगे आपको, इतना कॉस्ट पड़ेगा। मैंने ये जो फुटवेयर पहना ना, इतनी काफ़ी कंफर्टेबल थी। और यहाँ पे देखो बहुत सारे शूज लगे थे, सब शूज के रेट थे ना 1000+ थे, मतलब 2000 and 1500 and 1000 रुपीज़ तो मतलब मैक्सिमम सोच लो। यहाँ पे ना कपड़े के कलेक्शन में मतलब पूछो ही मतलब, ऐसे ऐसे कपड़े तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मतलब बॉडी पे पहनते ही पता नहीं चला। ये ड्रेस मुझे मतलब ये जीन्स ना मुझे इतना प्यारा लगा, कार्गो टाइप में था, ये था 2000। एंड यहाँ मेरे पास देख रहे हो ना वाइट कलर की कुर्ती, इस कुर्ती का रेट था मतलब देख लो रेट कितना था, 1000+ ही था। इतनी सारे ड्रेसेस थे ना यहाँ पे, 1000+ ही था भाई, कोई भी चीज़ है आपको कम नहीं। बाय वन गेट वन तो फ्री भूल जाओ भाई, मैं जब जाती हूँ बाय वन गेट वन फ्री देती हूँ, बट यहाँ पे भाई आपको कपड़े ब्रांडेड मिलेंगे सारी चीज़ें। मैंने ये जो लिया है ना अपने हाथ में, ये थोड़े से कम थे, 700 में थे। एंड यहाँ पे शूज के कलेक्शन तो पूछो ही मत, इतने प्यारे प्यारे शूज कलेक्शन मैंने कभी देखा भी नहीं यार, इतना मिलता ही नहीं है। एंड यहाँ पे देख रहे हो ना, ये तो मतलब है देखने में नॉर्मल सा, बट इसका रेट था ना 1200, मतलब समझ रहे हो, इतना काफ़ी कंफर्टेबल, स्टाइलिश भी लग रहा था ना, पहनने के बाद आपको कंफर्टेबल भी लगता है, एंड काफ़ी खूबसूरत लगता और देखने में भी ब्रांडेड एंड प्रोफेशनल दिखता। यहाँ पे बहुत सारे हील्स भी लगे हुए थे, पेंसिल में भी लगे हुए थे, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स वगैरह लगे हुए थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कुछ कुछ चीज़ें ये सब क्या रखे हुए हैं, बट कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आ गई तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे देख सकते हो ना कुछ ना किचन के बर्तन के सामान रखे हुए थे, मतलब एकदम यूनिक जो मैंने कभी देखा भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो ऐसे स्पून, मतलब ऐसे तो मैं रेस्टोरेंट वगैरह में देखती हूँ कि इतने प्यारे प्यारे स्पून वगैरह। यहाँ पे मैं एक डोलची लेके खड़ी थी, बास्केट, मतलब मेरे को मैं मूड हो रहा था ना, मतलब चोरी करना पाप है, बट कोई बात नहीं, उतनी बजट से बाहर है भाई, इतनी महंगी महंगी चीज़ें, डोलची वहाँ पे, बास्केट वगैरह 2000 तक थी। यहाँ पे जो टावल लगी हुई है ना, आपको जो टावल 2 पीस मिल रही थी मतलब 500 में, समझ रहे हो, सिर्फ आपको फेस या हैंड वॉश के लिए, हैंड वॉश करने के बाद आप उसको टावल को यूज कर सकते हो, इतनी छोटी सी टावल में तो 500। यहाँ पे नहीं, इतना प्यारा सा मतलब ड्रेस लगा हुआ था ना, इस ड्रेस का रेट था ना 2000 रुपीज़, इतनी कंफर्टेबल थी, मतलब पहनने के बाद बॉडी में पता भी नहीं चलता। इतनी सारे अच्छे अच्छे टी शर्ट लगे हुए थे, टी शर्ट वगैरह के रेट में बता दे रही हूँ, बाप रे, 500 and 1000 रुपीज़ स्टार्टिंग तो टी शर्ट थे, लेकिन भाई अगर एक बार पहनते ना तो पता नहीं चलता। देख सकते हो ना कितनी अच्छी फैब्रिक में यार, कितनी अच्छे अच्छे कलर लगे हुए थे, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट थी ना, सबके रेट थे ना, अगर सेट में लेना चाहते हो 1000 पड़ने वाले हैं, अगर आपको सिंगल सिंगल चाहिए तो मतलब 1000 रुपीज़ है। एंड यहाँ पिंक कलर भाई थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, एंड यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कुर्तियाँ लगी हुई थी, बाप रे, कुर्तियों की कलेक्शन तो पूछो मत, लेकिन सबके रेट जो थे ना बहुत हाई फाई थे भाई। यहाँ पे इतनी सारी इयरिंग्स लगी हुई थी, बैग्स कलेक्शन लगे हुए थे, बैग की चलो मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी फिलहाल के लिए थोड़े थोड़े देख लो सारे रेट में बताने वाली हूँ इसकी, बाप रे, इतनी फैशन लेवल का। मैंने बहुत सारे साइड पर्स यूज किए यार, 150-200 रुपये का, मतलब 2000 तक, 3 and 5 तो इतने तक मैं नहीं यूज की हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो, चलो यार अब के ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मेकअप किट भी रखे हुए थे, मुझे तो बहुत सारे मेकअप किट समझ में भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेकअप मुझे उतना पसंद भी नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें यूज भी नहीं करती हूँ, मुझे मेकअप में सिर्फ लिपस्टिक पसंद है। एंड चलो मैं चलती हूँ वॉइस कलेक्शन, वॉइस कलेक्शन मैं कैसे छोड़ सकती हूँ भाई, वो भी तो है ना बच्चे, थोड़े से नादान बच्चे, वो भी तो थोड़ा देख ले। यहाँ पे देख सकते हो उनके लिए, बाप रे, मैं तो सोच रही थी मुझ में और उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं, यहाँ पे उनके इतने लोवर शॉर्ट वगैरह इतने अच्छे अच्छे थे, मतलब ना एक चीज़ तो बढ़िया
नहीं आए भाई कि मतलब लड़कों की भी चीज़ें आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे लोअर था ना वो मेरी साइज की थी एंड मुझे इतना प्यारा लगा ना, लेकिन इसका रेट था ना 1500। मैं बोली यार हटाओ इसको हटाओ, मतलब मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बजट से बाहर है, क्योंकि मैं हमेशा जो है लोअर वगैरह भाई 500 एंड बहुत कॉस्टली 1000 के अंदर तक मैं यूज करती हूँ, बट इतना तो नहीं हो पाएगा। मैंने इसको हटा दिया, बाकी बहुत अच्छे थे। यहाँ पे इतने सारे बॉयज़ के शॉर्ट वगैरह लगे थे, सबके रेट थे 500-1000 रुपीज़। थोड़े से लड़कों के ठीक ठाक थे, लड़कियों के कलेक्शन थोड़े महंगे मिलते पता है क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खरीदती हैं। यहाँ पे देख सकते हो लोअर टी शर्ट हाफ पैंट तो मनो पूछो मत है। यहाँ पे सूज कलेक्शन भाई वो कैसे पीछे हट सकते, सूज भी वगैरह लगी थी, इनके भी सूज कलेक्शन 1000+ ही थे एंड बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड सूज, मतलब 5000 लास्ट तक 10000 तक भी सूज रखे हुए थे। इतना बड़ा मॉल, इतना कॉस्टली मॉल, इतना फैशन लेवल मॉल मैंने कभी नहीं देखा। बहुत सारे मॉल्स की वीडियो बनाती हूँ मैं, जाती हूँ खरीदती हूँ तो एंड यहाँ पे मैं देखे फिर मैं आ जाती हूँ, क्योंकि ने इतने बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। मैं जहाँ भी घूम रही थी चारों तरफ सिर्फ मैं ही दिख रही थी। मैं बोली यार सारे लोग फोटो ले रहे हैं तो मैं क्यों ना मैं भी तो थोड़ी बहुत तो ले ही सकती हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो इनके लिए पैंट वगैरह भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लगे हुए थे, बहुत सारे मतलब यहाँ पे बड़े बड़े प्यारे प्यारे कलेक्शन लगे हुए थे। बाकी मैं चलते हूँ नीचे, क्योंकि बॉयज़ में मुझे थोड़ा सा ना इंटरेस्ट नहीं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोली यार चलो लड़कियों, क्योंकि पता है लड़कियों के शॉपिंग में थोड़ी मज़ा आती है। यहाँ भी मैं आ जाती हूँ, देखो ईयरिंग्स वगैरह लगे हुए थे, ईयरिंग्स तो पूछो मत यार, बट मतलब नेकलेस वगैरह अगर आप छोटे से लॉकेट लेते हो ना यहाँ पे आपको 1000+ ही मिलने वाले। ये पर्स ना मेरे को बड़ा प्यारा लगा एंड यहाँ पे देखो कितनी सारी कुर्तियाँ कलेक्शन है, कितनी सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे देखे मैं एक छोटू सा पर्स देख रही थी ना, इसका पर्स का रेट आप सुन के मतलब ना शॉक हो जाओगे। इस पर्स का रेट था 1000 रुपीज़। इसमें सिर्फ आप मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हो, बट ये ना देखने में बड़ा क्यूट सा एंड प्यारा सा था, काफ़ी ब्रांडेड भी लग रहा था। एंड यहाँ पे और भी पर्स कलेक्शन थे भाई साइड पर्स के, मैंने इतना कॉस्टली पर्स वगैरह मैं देखी हूँ ऐसी बात, बट मैंने यूज नहीं किया तो मेरे लिए कॉस्टली ये तो था पर्स, ये 3000 का था मेरे हाथ में, ये थोड़े कपड़े फेब्रिक में था, इतना सॉफ्टनेस थी। और भाई ये ख़राब होने का तो मतलब समझो कि 10 साल चल सकता है, ख़राब नहीं हो सकता, बट 3000 की थी। यहाँ पे और भी सारे पर्स कलेक्शन लगे हुए थे, इतने अच्छे अच्छे अच्छे। ये तो मैं जब जो मैं लास्ट वाला उठाई ना ये भी 3000 का था, ये 3000 नहीं 3000 साइड 500 का था, ये उससे भी 500 महंगा था, बट ये तो और लेटेस्ट लग रहा था एंड काफ़ी ब्रांडेड एंड बहुत क्यूटू सा लग रहा था। यहाँ पे देखो मैं आ जाती हूँ कुर्तियों के कलेक्शन में, भाई जो थोड़े ऑफिशियल टाइप में कपड़े पहनते हैं, मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि मैं बस वेस्टर्न यूज करती हूँ, मुझे जो मिलता है मैं वो पहनती हूँ। फिर यहाँ क्या, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, मेरा मूड हो रहा था भाई कुर्तियाँ भी लूँ, मतलब इतनी स्टाइलिश वगैरह कुर्तियाँ मैं बोल रही थी यहाँ पे वीडियो में, देखो चोरी से बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सेल्फी वगैरह बहुत जगह वीडियो वगैरह अलाउ नहीं होते, बट मैंने आपके लिए सिर्फ बनाया। यहाँ पे जितनी कुर्तियाँ कलेक्शन लगी हुई थी ना सब 1000+ थी। मैं बोली हूँ कि भाई महंगे मॉल में आई हूँ तो थोड़ा सा आपको भाई वैरायटी अगर मिलेगी तो महंगा तो मिलेगा, बट आप स्टाइलिश चीज़ें तो देख सकते हो भाई। जो चीज़ आपने इतने प्यारे प्यारे मतलब जॉगर्स वगैरह लगे हुए थे, लेगिंग्स लगी हुई थी एंड लोअर वगैरह लगे हुए थे, सबके रेट थे ना 1000 एंड 1500 एंड 2000 तक था। मैं आगे लेके चलूंगी और स्टाइलिश वगैरह ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी ना, सबके रेट थे ना मतलब अगर सेट में लेते हो ना तो 2000 एंड वैसे टॉप वगैरह लेते हो तो आपको 1000 में पड़ने वाले। इतनी सारी जो टॉप कलेक्शन लग रही है ना ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगा एंड मैं इसको ना सोना डे को पहनते हुए देखी थी, काफ़ी क्यूटू सा लग रहा था। ये था ना 2000 में, बट बहुत सॉफ्टनेस थी, बॉडी पे पहनने के बाद काफ़ी अच्छा भी लगता है, बट मैं इसको कहाँ पहन के जाऊँगी भैया, मैं इसको पहन के जाऊँगी तो सब मेरा मजाक ना उड़ाए। मैं बोली यार बस मैं देख सकती हूँ एंड आपको दिखा सकती हूँ कि आपको यहाँ पे सारी ऐसे भी ड्रेसेस मिलते, क्योंकि वेस्ट साइड है मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस यहाँ पे मिलेंगे ना, तो भाई ये तो कॉमन सी चीज़ है कि आपको मिलनी है। इसका रेट 2000 था बट अच्छे रेट में था एंड काफ़ी मतलब स्टाइलिश भी लग रहा था। फिर आती हूँ और सारी चीज़ें दिखाती हूँ, यहाँ पे बड़े ही प्यारे प्यारे सारे कलेक्शन, टॉप वगैरह के कलेक्शन भी बड़े क्यूटेस्ट था, स्टाइलिश थे। ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था, ये तो मतलब मेरे हाथ में लग ही नहीं रहा था कि ये कपड़ा ये था ना मतलब 1200 का, समझ सकते हो ना कितना महंगा है, मेरे बजट से बाहर है। मैं जब भी यूज करती हूँ 500 के नीचे तक ही यूज करती हूँ, टॉप वगैरह चाहे जो भी हो जीन्स वगैरह 1000 चल जाता है, इतना कॉस्टली मैं टॉप नहीं यूज करती हूँ भाई। इतना कॉस्टली अगर यूज करना है तो जारा वगैरह में जाओ ना। एंड यहाँ पे देखो भाई वेस्ट साइड मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस इतनी प्यारे प्यारे लगी हुई थी ना, ये देख सकते हो सबके रेट थे ना 3000-4000 ऐसे ऐसे ड्रेसेस के दाम थे भाई। मैं बोली यार कुछ नहीं मैं ले नहीं सकती, फोटो वगैरह तो क्लिक करा सकते हो, फिर क्या मैं तो यहाँ पे आई गई, देखो मैं फोटो वगैरह मतलब खिंचा रही थी। एंड यहाँ पे देखो भाई शॉपिंग वगैरह
करने के बाद मैं वापस आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरे बजट से बाहर थी इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं इतनी महंगी कलेक्शन यूज नहीं करती हूँ। बट ये आपके लिए मैं दिखा दी ताकि जो बड़े बड़े घर के लोग हैं वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। मुझे अच्छा लगा, मैं आपको दिखा दी। रास्ते में पड़ा ये सामने घाट बनारस में पड़ता है एंड ये उसी लोकेशन पर काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस आपको मिल सकते हैं, जो बड़े मतलब बड़े बड़े लोग हैं जो अच्छे अच्छे कलेक्शन पहनते हैं, थोड़े बजट में पहनते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए मैं अपनी सुखी से प्यारी सुखिया से जा रही हूँ, घर निकलूँगी उससे, क्योंकि मेरे हाथ तो लगा कुछ नहीं। मैं सोची थोड़े से ना कम पैसे मिल जाते। आई थी तो मैं वेस्टर्न ड्रेसेज ही लेने पार्टी के लिए, बट मुझे थोड़ा सा काफ़ी महंगा लग रहा था, मतलब 2000-3000 मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं चलती हूँ यहाँ से और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ढेर सारा प्यार दो।